आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों के एसएससी एमटीएस की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो फाइनली आप लोगों का एसएससी एमटीएस का 9 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। 9 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पूछा गया था अनुच्छेद 356 से क्या संबंधित है। देखिए अनुच्छेद 356 में केंद्र सरकार को किसी राज्य सरकार को बर्खास्त करने और राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति उस अवस्था में देता है जब राज्य का संवैधानिक तंत्र पूरी तरह विफल हो गया है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था नवरोज जो है ये किसका फेस्टिवल है। तो मेरे प्यारे साथियों, नवरोज जो है ना पारसी समुदाय का ये फेस्टिवल है। सरकार का संसदीय स्वरूप पहली बार किस देश में लागू किया गया था। तो सरकार का संसदीय स्वरूप पहली बार ग्रेट ब्रिटेन यूके में लागू किया गया था। कहां पर लागू किया गया था? ग्रेट ब्रिटेन यूके। अगला प्रश्न पूछा गया था भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आमेर का जो किला है ये कहां पर स्थित है? तो आमेर का किला राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था कि कौन सा धर्म में कृषि को गलत माना जाता है। जैन धर्म में कृषि को गलत माना जाता है। लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि शशि थरूर जो है ये किससे संबंधित है। तो शशि थरूर जो है ना संसद के सदस्यों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था ऋग्वेद को मूल रूप से किस भाषा में रचा गया था। तो मेरे प्यारे साथियों, ऋग्वेद को मूल रूप से संस्कृत भाषा में रचा गया था। क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल मैच में निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी सर्वोच्च स्कोरर था। क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल मैच में कृष्णमाचारी श्रीकांत जो है ना सर्वोच्च स्कोरर थे। रोशन माया नारायण किस नृत्य से संबंधित है? तो रोशन माया नारायण जो है ना ये कथक से संबंधित हैं। तो इतने ही क्वेश्चन हमको मिले थे जो कि मैंने आपके सामने शेयर कर दिए हैं। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बोल रहे होंगे कि एक्स्ट्रा फैक्ट तो आज आपने बताया ही नहीं है। सबसे पहले आप ये देखिए कि वीडियो की क्या हालत है मेरे चैनल पे, एसएससी वाले पेपरों की बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत है। तो जो क्वेश्चन आपको मिले थे वो मैंने आपके सामने शेयर कर दिए हैं। तो अगर आप मन करें आप लोगों का लाइक करने का तो लाइक कीजिए, अगर मन ना करें तो कोई बात नहीं, आपकी इच्छा आपकी मर्ज़ी, मत कीजिए आपकी मर्ज़ी है। ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी और व्हाट्सएप पर भी मिल जाएगी। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर लीजिए, अगर आपकी इच्छा हो तो ज्वाइन कीजिए, अगर ना इच्छा हो तो आपकी मर्ज़ी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।